Very good morning to all of you. Now today we will discuss the topic ethyl alcohol, also known as ethanol, and chemical formula is C2H5OH. Okay, this is from chapter carbon and its compound, which is of class 10 chemistry chapter. Okay, now first of all we know what is this ethanol, ethyl alcohol. Now we all know about methane, CH4. Carbon is tetravalent. Okay. क्या होता है, कार्बन में जब चार हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो क्या बनता है, मीथेन. नाउ व्हाट्स द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. ठीक है, नाउ दिस इज इफ कार्बन इज वन, यदि कार्बन दो लेते हैं, ठीक है, कार्बन यदि दो लेते हैं देन व्हाट विल हैपन, सी now completes its tetravalency, what will happen, this will become C2H6. क्या बन गया आपका, C2H6, and name is ethane. What is this? This is ethane. अब क्या करना है, इस ethane के hydrogen को replace करते हैं किस group से, hydroxyl group, OH group से replace करते हैं. कैसे करेंगे देखिए, एक H हटाएंगे और यहाँ पे OH ग्रुप जोड़ेंगे. नाउ दिस इज एल्कोहलिक ग्रुप, OH क्या है, एल्कोहलिक ग्रुप है. नाउ दिस विल बिकम C2H5 बिकॉज एक हाइड्रोजन तो हटा दिए हैं और उसके जगह पे क्या जोड़े हैं, OH. सो दिस विल बिकम C2H5OH एंड दिस इज योर इथेनॉल, जिसको आज हम लोग जानेंगे, जिसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे. Now first of all we know about the preparation, how can we prepare this ethanol. So first of all we know about the commercial preparation, ऐसा preparation जिसमें हमको फायदा होता है, ठीक है. So this is commercial preparation. First it is prepared by alcoholic fermentation, ठीक है, alcoholic fermentation होगा, उससे हम क्या करेंगे, इसको prepare करते हैं. So first step, now we get sugar from by fermentation. शुगर हमको कहां से मिलता है, बाय द प्रोसेस फर्मेंटेशन, ठीक है. जब शुगर हमको शुगर केन से मिलता है, उसके बाद जो मदर लिकर बच जाता है, ठीक है, मदर लिकर जो बच जाता है उसको क्या कहा जाता है, मोलासेस, ठीक है. मोलासेस इज यूज इन दिस प्रोसेस, यहाँ पे क्या है, हम लोग मोलासेस यूज करते हैं, बट मोलासेस कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर, उसमें क्या रहता है, बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट रहता है. तो इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग डायल्यूट करते हैं, ठीक है, उसमें वाटर डाल के उसको डायल्यूट करते हैं, ठीक है. मोलासेस इज डायल्यूटेड एंड नाउ इट बिकम्स 10% शुगर, इतना डायल्यूट करते हैं कि उसमें 10% शुगर ही बच जाए, ठीक है. उसके बाद क्या करते हैं, उसमें ईस्ट को ऐड करते हैं. Why we do this? Because yeast gives, yeast क्या देता है, enzyme देता है. जैसे कौन कौन enzyme देता है, invertase, zymase, ये सब enzyme हमको कहाँ से मिलता है, yeast से मिलता है, ठीक है. तो इस yeast को हम लोग क्या करते हैं, जो solution बना है 10% जिसमें sugar है molasses का, उसमें yeast को add करते हैं and this process is carried in dark. ये प्रोसेस किस में होता है, डार्क में होता है और टेम्परेचर भी हमको मेंटेन करना पड़ेगा 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. इससे ज्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो जो यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है. नाउ दिस ऑल्सो डन इन क्लोज वेसल, ठीक है, इसको क्या करते हैं, क्लोज वेसल में ही किया जाता है. और जब प्रोसेस चलता है तो हम लोग क्या देखेंगे, इट अपीयर्स टू बी बॉइलिंग, लगेगा कि बॉइल हो रहा है. बॉइल हम लोग करते नहीं, लेकिन बॉइल होता क्यों दिखता है, क्योंकि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है. जो कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन होता है उसके कारण क्या होता है, इट अपीयर्स टू बी बॉइलिंग, बॉइल होता दिखता है. उसके बाद क्या होगा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ C12H22O11, ठीक है. ये क्या, सुक्रोज, सुक्रोज और यू कैन से शुगर, ठीक है. इन द प्रेजेंस ऑफ इनवर्टेज, इनवर्टेज हमको कहां से मिला है, इस्ट से मिला है. क्या हमको मिलेगा, C6H12O6 एंड अगेन C6H12O6. नाउ बोथ इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का भी फॉर्मूला होता है और फ्रक्टोज का भी यही फॉर्मूला होता है.
अंदर कहाँ होता है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप रहता है, फ्रक्टोज में क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप रहता है। तो पहले क्या होगा, सुक्रोज इन्वर्टेज के प्रेजेंस में इट विल कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, एंड दिस ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, इन प्रेजेंस ऑफ जाइमेज, कौन सा एंजाइम यूज होगा नेक्स्ट में, जाइमेज, दिस ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या होगा, देखिए यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज है इन प्रेजेंस ऑफ जाइमेज कन्वर्ट्स इनटू C2H5OH एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज इन्वॉल्व। ठीक है, आपको क्या मिल गया, इथेनॉल। ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल। ओके, दिस इज ग्लूकोज एंड दिस इज Now see, this glucose and fructose in presence of zymase क्या होगा, इथेनॉल बना and कार्बन डाइऑक्साइड इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और इस तरह से हम लोग इथाइल अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं बाय अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। Now next is by the hydration of इथाइलिन। लेकिन इसके पहले देखिए, यहाँ के बाद ये जो आपको इथेनॉल मिला, ठीक है, जब CO2 इवोल्यूशन खत्म हो जाता है तब हम कंफर्म हो जाते हैं कि फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है। और अब जो यहाँ पे हमको इथाइल अल्कोहल मिला वो 10% है, उसको क्या करेंगे, डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग करेंगे एंड नाउ वी विल गेट 95%। जब डिस्टिलेशन प्रोसेस से वाटर से उसको अलग कर देते हैं देन वी गेट 95% ऑलमोस्ट 95.5% अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, and this is known as rectified spirit। ठीक है, जिसमें 95.5% alcohol रहेगा and 5% it will contain water। now next process is by the hydration of ethylene। ठीक है, ethylene का ही दूसरा नाम क्या होता है, ethylene, confuse नहीं करना है। ठीक है, now ethene, we all know CH2 double bond CH2, this is the formula of ethene। किसका फॉर्मूला है, इथीन का फॉर्मूला है। Now hydration of ethylene, इथीन का hydration, hydration means water को add करना। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें water को add करेंगे, H and this will break into H and OH, ये H और OH में टूट जाएगा, एक H यहां जाकर के place हो जाएगा और एक यहां। ठीक है, तो देखिए क्या बनता है, CH2 तो पहले से था और एक H ऐड हुआ तो 3 हो जाएगा, नाउ दिस इज CH2 एंड OH इज व्हाट इज दिस, नाउ दिस इज इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये क्या होता है, दिस इज इन द प्रेजेंस ऑफ, ये ध्यान रखेंगे कि ये प्रोसेस क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में वी मस्ट यूज H2SO4, एसिड कैटालिसिस होता है तब जाके आपका क्या होता है, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, ये एसिड के प्रेजेंस में होता है एंड फॉस्फोरिक एसिड CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O क्या चीज के प्रेजेंस में, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 एटमोस्फेयर रखना है 60 एटमोस्फेयर एंड 573 के इतना टेम्परेचर ही रखेंगे। ठीक है, इथीन प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड 60 एटमोस्फेयर एंड 573 के अगेन वी गेट CH3, CH2 and OH। Now this is your ethyl alcohol। Now this is all about preparation of ethyl alcohol। Now come to physical properties। What are the physical properties of this ethyl alcohol? This is colorless। ये कैसा होता है? Colorless liquid है and this has a characteristic smell। इसका कुछ smell होता है जिसको कहा जाता है alcoholic smell। ठीक है, इट बॉयल्स एट 78 डिग्री सेल्सियस, 78 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल हो जाता है एंड इट इज न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस। इसमें एसिड कैरेक्टर भी नहीं है और बेसिक कैरेक्टर भी नहीं है, दिस इज न्यूट्रल। तो क्या होगा, लिटमस पेपर जब डालेंगे उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा।
Now this is soluble in water in any proportion. थोड़ा सा alcohol लेंगे, ज्यादा water लेंगे, ज्यादा alcohol लेंगे, थोड़ा water लेंगे, कितना कैसा भी proportion है, ये अच्छे से miscible है. Okay? Ethyl alcohol is 100% miscible with water. Now यदि 95% alcohol and 5% water रहता है, that name is rectified spirit. उसी का नाम क्या है? Rectified spirit. और यदि 100% alcohol है, कुछ में उसमें इंप्यूरिटी नहीं है, वाटर भी नहीं है, then it is known as absolute alcohol. Okay? Now come to chemical properties. Chemical properties में आपको क्या देखना है? इसका reaction, ethyl alcohol का reaction देखना है और देखना है कि product क्या बनता है. Now first it is combustible. Combustion reaction देखिए, combustion reaction क्या होता है? Combustion in the presence of oxygen. Oxygen के presence में यदि रिएक्शन हो रहा है तो क्या कहलाता है? कंबशन. नाउ दिस इज वॉलेटाइल एंड कंबस्टिबल सब्सटेंस लिक्विड. ओके, नाउ सी C2H5OH प्लस O2 व्हिच वी गेट फ्रॉम एयर. कहां से मिला ऑक्सीजन? एयर से. आपको वैसे भी पता होगा कोई भी हाइड्रोकार्बन है या इस तरह का कोई कंपाउंड है, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. हीट एंड लाइट भी होता है बिकॉज दिस इज कंबस्टिबल सब्सटेंस. लेकिन क्या होगा जब भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड यदि एयर के साथ रिएक्ट करेगा, व्हाट विल हैपन? दिस विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. नाउ यू कैन बैलेंस दिस. कैसे बैलेंस करें? देखिए यहाँ पे कार्बन 2 है, इसको 2 करेंगे. ठीक है, नाउ सी ऑक्सीजन 4 है, 5 है और यहाँ पे कितना है? 2, 1, 3. ठीक है, हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे 5 है, 6 यहाँ पे कितना है? 2 ही है. तो यहाँ पे 3 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? नाउ दिस विल बैलेंस. लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया? देखते ना, कार्बन पहले 2 इसको फुलफिल किए, यहाँ पे 2 कार्बन था, 2 कार्बन यहाँ पे कितना है? 6 हाइड्रोजन है. तो यहाँ पे 3 लगा देंगे तो 6 हाइड्रोजन है. नाउ सी नंबर ऑफ ऑक्सीजन है कितना हो गया? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3, 7. तो 2 यहाँ पर है, ठीक है, 2 यहाँ पर है, यहाँ पे यदि 3 लगा देते तो ये 6 हो जाएगा, ये 1, 7. नाउ दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ओके, नाउ सी नेक्स्ट रिएक्शन विद सोडियम मेटल. यदि सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तब क्या होता है? नो व्हाट हैपेंड इन दिस केस? C2H5OH प्लस सोडियम मेटल. यहां पे देखिएगा जो H है, ठीक है, सोडियम क्या करेगा? इस H को रिप्लेस करता है. ठीक है, यहाँ पे ये ब्रेक नहीं होगा कि ये ब्रेक होता है. ठीक है, H हटेगा और सोडियम उसका प्लेस को रिप्लेस करेगा. नाउ सी दिस C2H5ONA सोडियम इथेनोइड. ठीक है, एंड अलोंग विद दिस वी विल गेट हाइड्रोजन. इसमें क्या होगा? इस रिएक्शन में जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, वी गेट दिस कंपाउंड C2H5ONA एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व. इसको हम कैसे पता करेंगे कि हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व हो रहा है? बाय दिस एक्टिविटी. यहाँ पे क्या लिए हैं? हेयर वी हैव टेकन, नाउ सी हेयर वी हैव टेकन C2H5OH और क्या किए हैं? सोडियम मेटल. यहाँ पे क्या लिखे हैं? सोडियम मेटल और इसमें इथाइल अल्कोहल को डालेंगे. रिएक्शन विल स्टार्ट, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ क्या मिलेगा? कुछ गैस आपको दिखेगा कि गैस निकल रहा है. उस गैस को लेंगे और उसमें क्या करेंगे? मैजेस्टिक यूज करेंगे. व्हाट विल हैपन? वी गेट पॉप साउंड. कौन साउंड मिलेगा? पॉप साउंड विच कंफर्म दैट द गैस इवॉल्व इज हाइड्रोजन. ओके, नाउ दिस एक्टिविटीज इन योर NCERT, तो इसको आपको जानना है. Now next see oxidation. अब oxidation क्या होता है? Oxidation depends upon the condition. क्या हम लोग use करें, क्या condition दे रहे हैं, उस पर हमारा product depend करता है. Now one is partial oxidation. Partial oxidation मतलब आधा ही होगा, पूरी तरह से oxidation नहीं होगा. Now for this partial oxidation we use chromic anhydride. अब chromic anhydride कैसे बनाते हैं? Chromium trioxide dissolving acetic acid. यदि इसको डिसॉल्व करेंगे एसिटिक एसिड में, बाद में मिलेंगे क्रोमिक एनहाइड्राइड. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? देखिए CH3 CH2OH. ठीक है, ये ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कम्स फ्रॉम दिस ऑक्सीजन फ्रॉम
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग क्या लिए हैं, वी हैव टेकन हियर क्रोमिक एंड हाइड्राइड। क्या लिए हैं? क्रोमिक एंड हाइड्राइड। ठीक है, ये क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए क्या होता है, वी गेट CH3CHO प्लस वाटर। नाउ दिस इज इथेनॉल। ये क्या है? नाउ फ्रॉम इथेनॉल वी गेट इथेनॉल। व्हाई वी आर गेटिंग इथेनॉल? बिकॉज दिस इज पार्शियल ऑक्सीडेशन। पार्शियल ऑक्सीडेशन में आपको क्या मिलेगा? अल्कोहल से एल्डिहाइड। दिस ग्रुप इज एल्डिहाइड। दिस इज अल्कोहलिक ग्रुप एंड दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप। यदि माइल्ड ऑक्सीडेशन होगा तो आपको क्या मिलेगा? एल्डिहाइड मिलता है। ठीक है, नाउ सेकेंड सी, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन में क्या होगा? वी आर यूजिंग बेयर्स रिएजेंट। अब बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? दिस इज द अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। अल्कलाइन सॉल्यूशन पोटेशियम परमैंगनेट का क्या नाम है? बेयर्स रिएजेंट। इसमें क्या करेंगे? दिस अगेन फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हेयर वी आर यूजिंग बेयर्स रिएजेंट। Now what will we get here? We will get CH3COOH and then we will get water along with this. Now this is acetic acid. Acetic acid. Okay? इसका क्या नाम है? Acetic acid और you can say ethanoic acid. तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, यदि आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, माइल्ड ऑक्सीडेशन में ध्यान रखिएगा, माइल्ड ऑक्सीडेशन में आपको इथेनॉल मिलेगा, एल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा, लेकिन कंप्लीट ऑक्सीडेशन में आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट एसिड। ओके, नाउ हियर वी आर यूजिंग ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, यदि कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा देन यू विल गेट एसिड। ठीक है, अब देखिए जो बेयर्स रिएजेंट है क्या करता है, ये इसका ओरिजिनल कलर पिंक है। बेयर्स रिएजेंट जब बनाते हैं क्या कलर है उसका? पिंक कलर है। जब वो किसी डबल बॉन्ड के कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, डबल बॉन्ड के कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है तो इसका कलर क्या होता है? डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक बार यदि रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, रिएक्शन यदि कंप्लीट हो जाता है तो उसका कलर क्या होता है? परसिस्ट कर जाता है, उसके बाद उसका कलर चेंज नहीं होता। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन। फिर ऑक्सीडेशन है, ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या है? यूजिंग क्रोमिक एसिड। अब क्रोमिक एसिड कैसे बनता है? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्रोमिक एसिड, H2CrO4। कैसे बनता है? फ्रॉम पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 डिजॉल्व इन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसमें दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? क्रोमिक एसिड। ठीक है, क्रोमिक एसिड से भी इसको भी जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में लेंगे तो इससे जब ऑक्सीजन निकलेगा क्या होगा? पहले इथाइल अल्कोहल विल कन्वर्ट इनटू इथेनॉल। ठीक है, पहले क्या होगा? इथेनॉल में कन्वर्ट होगा, देन इट इज इथेनोइक एसिड। सो पहले क्या देखेंगे? वैसे भी आप जान लीजिए पहले क्या होता है, माइल्ड करेंगे तो पहले अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है और फिर स्ट्रॉन्ग करने पे एल्कोहल से एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? पहले एल्कोहल से एल्डिहाइड बन रहा है, फिर एल्डिहाइड से एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें क्या होता है, इथेनॉल को यहाँ से हम लोग आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये रिएक्शन वहाँ पे रुकता ही नहीं है। ये क्या होता है, लास्ट में जाकर के एसिड का ही फॉर्मेशन होता है, इस स्टेज में आकर के ये नहीं रुक पाता है। सो इथेनॉल कैन नॉट बी आइसोलेटेड सिंस द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप एट एल्डिहाइडेड स्टेज। Now next is acidic dehydration. Dehydration, जैसे आपको यहाँ बताया था hydration, hydration मतलब water जोड़ना, dehydration मतलब water को उससे निकाल देना। अब देखिए यदि ethyl alcohol से water को remove करते हैं तो क्या होता है? Now this is CH3CH2OH. What is this? Ethyl alcohol, ठीक है, इसके presence में होगा, इसको heat भी करना है, sulfuric कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी लेना है और टेम्परेचर भी आपको 443 रखना होगा। ठीक है, अब देखिए इसी को हम फिर से लिख रहे हैं CH2H, हाँ दिस इज CH3 एंड दिस CH2OH, सेम चीज है। यहाँ का एक H हम यहाँ लिखे और यहाँ का OH को यहाँ लिखे। नाउ रिमूव दिस
H2O, H2O को क्या करना है, रिमूव कर देना। तो हमको क्या मिलेगा, CH2, ठीक है। और यहाँ पे आपको कार्बन का टेट्रावेलेंसी फुलफिल करने के लिए डबल बॉन्ड यूज करना होगा। सो फ्रॉम इथाइल एल्कोहल वी गेट इथीन, दिस इज इथीन, और यहाँ तो देख ही रहे कि वाटर भी इसमें रिमूव हो रहा है, ठीक है। सो इथाइल एल्कोहल विल कन्वर्ट इनटू इथीन बाय द प्रोसेस एसिडिक डिहाइड्रेशन। नाम ही है एसिडिक डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन भी होगा और एसिड भी आपको यूज करना है, तभी ये प्रोसेस होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, दिस इज फिजिकल प्रॉपर्टी एंड देन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइल एल्कोहल। नाउ यूजेस, ठीक है। एल्कोहलिक बिवरेज इन द फॉर्म ऑफ बियर, वाइन, विस्की, ब्रांडी, सब जो भी एल्कोहलिक मटेरियल है सब में क्या होता है, यूज होता है। बहुत सारा सिरप भी ऐसा है, जैसे खांसी का जो दवा होता है उसमें भी क्या होता है, इथाइल एल्कोहल को यूज करते हैं। दिस इज एन एडिटिव इन पेट्रोल, पेट्रोल में एडिटिव के रूप में इसको यूज किया जाता है। दिस इज स्टार्टिंग मटेरियल बहुत सारे चीज का, जैसे इथाइल एल्कोहल, एसिटिक एसिड, ईथर हुआ, क्लोरोफॉर्म है, सबका स्टार्टिंग मटेरियल मैन्युफैक्चर करने में हम लोग क्या यूज करते हैं, इथाइल एल्कोहल को यूज करते हैं। नाउ दिस इज सॉल्वेंट फॉर नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। जैसे हम लोग जाते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या चीज में ज्यादा डिजोल्व करता है, वाटर में डिजोल्व करता है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है, ठीक है। एज अ फ्यूल इन स्टोव्स एंड स्पिरिट लैंप, क्योंकि बहुत अच्छा जब कंबशन होता है ब्लू फ्लेम देता है, दिस इज वॉलेटाइल एंड कंबशिबल एंड इट गिव्स ब्लू फ्लेम, ठीक है। तो हम लोग स्पिरिट या स्टोव में भी इसको यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूजेस ऑफ इथाइल एल्कोहल। नाउ सी वन वर्ड इज डीनेचुरेशन ऑफ इथेनॉल, या आपको क्वेश्चन आता है डीनेचर्ड एल्कोहल क्या होता है। तो पहले तो आप देखिए कि इथेनॉल से, इथाइल एल्कोहल से प्रॉब्लम क्या है। When large quantity consumed, यदि लार्ज क्वांटिटी हम लोग लेते हैं उसका, इट टेंड्स टू स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो हो जाता है एंड टू डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। दिस रिजल्ट्स इन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मेंटल कंफ्यूजन, ड्रॉजिनेस, लॉरिंग ऑफ नॉर्मल इनहिबिशन एंड फाइनल स्टुपर, ठीक है ना, बेहोशी का हालत, एकदम सेंस खत्म होने लगता है यदि ज्यादा अमाउंट में इसका हैबिट होने लगे तो, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत जगह हम लोग देख रहे हैं यूज होता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसमें कुछ पॉइजनस चीज को मिला दिया जाता है, ठीक है। इट इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, अभी आप देख रहे हैं बहुत सारे चीज में यूज हो रहा है, इंडस्ट्री में भी यूज होता है, बहुत सारे प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चर में हम लोग यूज करते हैं। तो क्या है, यदि सारा ऐसे ही खत्म हो जाए तो तब तो काम नहीं चलेगा, तो क्या करते हैं, इट इज मेड अनफिट, इट इज मेड अनफिट, उसको अनफिट बनाया जाता है, ठीक है। क्या करते हैं, उसमें कुछ पॉइजनस सब्सटेंस डालते हैं, जैसे मिथेनॉल, मिथेनॉल या ऐसा कुछ डालते हैं, कॉपर सल्फेट या कुछ डालते हैं, जिससे क्या हो जाता है, ये पॉइजनस हो जाता है। तब क्या होगा, ये पीने के काम नहीं आएगा और जो बाकी पर्पस है वहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ डाइस को भी ऐड किया जाता है, डाइस क्यों ऐड किया जाता है, ताकि थोड़ा कलर डिफर हो जाए, जो ओरिजिनल है और जो हम लोग पॉइजनस किए हैं उसका कलर में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए। डाई यूज करते ऐसा कर देते वो थोड़ा सा ब्लूइश दिखने लगता है, तो हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये बिल्कुल प्योर है और ये क्या है, डीनेचर्ड है। डीनेचर्ड मतलब उसको हम लोग पॉइजनस बनाए हैं कुछ मटेरियल डाल के, मिथेनॉल या कुछ और मटेरियल डाल के, तो दिस इज नोन एज डीनेचर्ड एल्कोहल, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय डीनेचर्ड एल्कोहल एंड हाउ कैन यू प्रिपेयर दिस डीनेचर्ड एल्कोहल, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, यूजेस एंड अबाउट दिस इथाइल एल्कोहल। Now for next topic, must see my next video.